चलिए कुछ इनवर्स वाले फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन में पहले क्या फार्मूला पढ़े उसको देख लो, फिर इंटीग्रेशन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन है, दूसरी तरफ लिख लेते हैं किसका, इंटीग्रेशन का, दोनों को लिख लेते हैं। चलो एक है तुम्हारा डिफरेंशिएशन, तुमने जो पढ़ा है उसको एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। चलो देखो 20 लाइन खींच लेते हैं। पहला इनवर्स वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या था तुम्हारा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स, फिर कॉस का क्या था, माइनस का वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा था जरा बताओ, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या था, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था, वन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमने देखा था फिफ्थ डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था, वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस वन अपॉन एक्स रूट में। अब इसी का अपोजिट होता है क्या तुम्हारा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में देखो क्या क्या हो जाएगा, पहला यह है इंटीग्रेशन, हमने कहा जिनको डिफरेंशिएशन ढंग से आता है इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले का इंटीग्रेशन, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसी को कॉस इनवर्स में भी तो लिख सकते हैं, बस माइनस साइन आ रहा है, या माइनस का कॉस इनवर्स इसको एक्स प्लस क्या क्या लिखा जा सकता है, सी लिखा। भाई साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये आता है, कॉस इनवर्स का ये आता है, बस साइन का डिफरेंस है, तो इसी का डिफरेंशिएशन साइन में लिखोगे तो प्लस साइन इनवर्स एक्स, कॉस में लिखोगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स। सेकेंड देखो जरा, टेन इनवर्स एक्स का ये है डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अपोजिट होता है ना, मैंने बार बार कहा है, तो वही चीज़ आएगा। थर्ड यहाँ देखो जरा, इसके सामने सामने लिख रहा हूँ एकदम, तो या इसी को कॉट में भी तो लिख सकते हैं, कॉट में लिखेंगे तो माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। लगता है देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, अगर सेक में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा ये, और कॉसेक में लिखूंगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद देखो, अगर एक्स का कुछ कोफिशियंट भी दिया है तो, मान लो बॉस एक्स का कोई कोफिशियंट भी दिया है तो, सेवंथ जरा देखते हैं यहाँ से, सपोज करो डी डी एक्स ऑफ यहाँ दिया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता था वन अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, अगर यही कॉस होता तो डी डी एक्स ऑफ सेम चीज़ आएगा, बस यहाँ माइनस लग जाएगा भैया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन का हो गया कॉस का हो गया। अब टेन और कॉट का लिखेंगे तो मान लो नाइन्थ डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई ए है अगर, तो इसका जाता था ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, कॉट में यही चीज लिखेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ए अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने हमेशा कहा जहां भी सी यू आ जाएगा डिफरेंशिएशन उसका नेगेटिव हो जाएगा। सेक में लिखेंगे इसको, सो डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, हाँ प्लस सी तो लिखना ही पड़ेगा, सॉरी डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन में सी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ये रखना, जहां वहां भी सी आ जाएगा, मतलब कॉट है कॉसेक है कॉस है, वहां निगेटिव साइन हमेशा आएगा। सेक इनवर्स एक्स बाई ए का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ए अपॉन एक्स रूट में होता है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखो, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है भैया। तो कॉसेक का भी यही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा आपका, डी डी एक्स ऑफ
कॉस इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू माइनस का ए अपॉन एक्स रूट में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसी का अगर हम मुझे इंटीग्रेट करके लिखना होगा, मतलब इन्हीं फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो इसी का जस्ट अपोजिट क्या बनेगा, यहाँ देखो इसके सामने लिख रहा हूँ ये नेक्स्ट कौन सा होगा, फोर्थ होगा तुम्हारा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन में लिखूंगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और यही चीज को कॉस में लिखेंगे तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है ना, कॉस में लिखेंगे तो। नेक्स्ट देखो जरा यहाँ टेन इनवर्स का ये है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कहीं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर मिल गया तो भैया ए वहां मिस हो गया ना, तो इस ए को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर, तो ये आ जाएगा वन बाई ए, फिर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का क्या था, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैं वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले रहा हूं तो ए को हमें इधर, तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, इसी को कॉट में लिखना होता तो माइनस का वन अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सेक और कॉट, इसी तरह से कॉसेक का भी देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो यहां भी ए नहीं लिए, उधर वन बाई ए हमें सेक में लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, और इसी को कॉसेक में लिखेंगे तो माइनस वन अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई था, ये फॉर्मूले हैं इसके, ये याद करके आने पड़ेंगे मुझे, ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। चलते चलते एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, हमने कहा था इंटीग्रेशन में जो भी एक्स का कोफिशियंट रहता है वो हमेशा क्या करेगा, बाहर आकर उसको डिवाइड करेगा। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ कहीं अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है वन अपॉन ए एक्स प्लस बी लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग होता है तो इसका भी लॉग के हिसाब से हो जाएगा, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, लेकिन एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर ए है, तो इस फंक्शन को मुझे ए से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ हम बात करते हैं, मान लो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स का क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है भैया बताओ, हाँ लॉग ऑफ ए बेस ई ए टू द पावर क्या होता था एक्स, या ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई होता था, है ना, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई होता है, ए टू द पावर एक्स को पहले लिख सकते हो बात, कोई बात नहीं, वो उसका कोफिशियंट है, ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर एक्स, अब ये जो उसका कोफिशियंट आता था वहां पर, यहाँ इसको आकर करेगा क्या है, वो डिवाइड करेगा। अगर एक्स का यहाँ पर मान लीजिए कोई और कोफिशियंट दिया है, ए टू द पावर मान लो एन एक्स लिखा है, तो ये ए टू द पावर एन एक्स होगा, नीचे भी आएगा क्या लॉग ऑफ ए बेस ई, लेकिन एक्स कोफिशियंट एन है तो एन से यहाँ में क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा हमने डिस्कस किया, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इतने फार्मूले याद होंगे तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो फार्मूले रिवाइज कर लेना, रिवाइज करके आओगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ओके डन, चलिए ठीक है।